नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों अभी फिलहाल हम ऐसे चिकन शॉप पे हैं जहां पर डे 300 से 400 केजी चिकन बिक जाता है। यहां पे इतना ज़्यादा भीड़ लगता है चिकन खाने के लिए। तो यहां आप फिलहाल देख सकते हैं ये माँ तारा ब्रह्मदेव होटल, जो कि ये भागलपुर में सबौर में है। तो यहाँ पे जो सुनने में आया कि यहाँ का जो चिकन जो है ना बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही मसालेदार और बहुत स्वादिष्ट खिलाते हैं। तो चलिए हम यहाँ का चिकन को टेस्ट करेंगे, यहाँ का स्वाद लेंगे और कुछ कस्टमर से रिव्यू भी लेंगे कि यहाँ का स्वाद आपको कैसा लगता है, जो कि इतना ज़्यादा फेमस है, इतना ज़्यादा नामी है। तो चलिए हम पहले यहाँ पर देखते हैं चिकन का क्वालिटी कैसा है। तो यहाँ पे आप फिलहाल देख सकते हैं इतना मात्रा में ये काउंटर पे चिकन रखा हुआ है। इधर जो है कलेजी और गोड़ी आ गया और इधर चिकन का पीस आ गया। तो ये यहाँ पे सिर्फ रखे और अंदर में भी है। तो यहाँ पे ये इतना सारा ये काउंटर पे रखा हुआ है और आपको डिस्प्ले पे दिखेगा कि अंदर में बहुत सारा चिकन बना के रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में। तो ये जो चिकन है ये मतलब इतना ज़्यादा बिकता है, इसका क्या खासियत है? बढ़िया बनता है, बढ़िया बनता है। ये कितने साल पुराना है ये होटल? 20 साल पुराना है। 20 साल पुराना है, हाँ। कब से कब तक ओपन हो जाता है? सुबह 10 बजे स्टार्ट होता है, शाम में 8 बजे बंद हो जाता है। ये कितना ये चिकन बिक जाता है यहाँ? 2 से 3 क्विंटल। 2 से 3 क्विंटल, तो 2 से 3 क्विंटल माने मतलब हो गया 300 से 400 केजी यहाँ पे लगभग चिकन बिक जाता है। तो यहाँ पे आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? हम यहाँ पे 30 बरस से काम कर रहे हैं। 30 बरस से काम कर रहे हैं। तो ये जो चिकन का रेट क्या होता है? रेट मतलब जो मालिक का ऑर्डर होता है वो फिक्स करते हैं हम। मतलब सेल करने के लिए फिक्स क्या रेट क्या है? हाँ, 35 रुपया पीस है। 35 रुपया पीस? 30 रुपया पीस। 30 रुपया पीस। हाँ। प्लेट का कितना है? 90 रुपया प्लेट है। 90 रुपया। तो दो पीस से अगर चिकन लीजिएगा तो आपको 70 रुपया पड़ेगा। 20 रुपया चावल का लिया जाता है फुल प्लेट। चावल जितना मन उतना ले सकता है। एक प्लेट चावल मिलेगा और 2 पीस चिकन मिलेगा, 90 रुपया प्लेट है। अच्छा, चावल का जो है क्वांटिटी एक ही प्लेट है, आप अगर अलग से लीजिएगा तो उसका पैसा अलग से लगेगा। वैसे आप फिलहाल देख सकते हैं अंदर में कितना भरा हुआ है, इतना ज़्यादा प्लेस है कि एक बार में कम से कम 70 से 80 आदमी बैठ के खा सकते हैं। और अभी फ़िलहाल जो है लगभग 3 बज रहा है और 3 बजे भी इतना भीड़ है यहाँ पे खाने के लिए। इतना ज़्यादा फेमस यहाँ का चिकन है कि 3 बजे भी इतना ज़्यादा भीड़ लगी हुई है खाने के लिए और सब मज़े से बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं गर्मा गर्म चिकन और चावल। यहाँ पे देखिए ये चिकन बन के रखा हुआ है और ये पूरा भरा हुआ था। ये पूरा भरा हुआ था? हाँ, पूरा भरा हुआ था। सारा और सारा निकल गया? सारा निकल गया। तो ये भी कितने देर तक चलेगा? ये 10-15 मिनट चलेगा। तो फिर से बनने के लिए रेडी हो रहा है क्या? हाँ। मतलब यहाँ पे गर्मा गर्म बना के दिया जाता है और इसका पीस देखिए कितना बड़ा बड़ा है। चिकन गरम गरम ही मिलता है, राइस चिकन गरम गरम। गर्मा गर्म एकदम पूरा, एकदम गरम गरम, पूरा गरम गरम। ठंडा खाना ही नहीं मिलेगा यहाँ, बिल्कुल नहीं दिया जाता ठंडा खाना, बिल्कुल नहीं। मतलब तुरंत आता है, तुरंत खत्म, तुरंत तुरंत। यहाँ पे देखिए ग्रेवी, ग्रेवी आपको अच्छे क्वालिटी में दिख रहा होगा, जैसा चिकन का ग्रेवी होना चाहिए उस टाइप का ग्रेवी है। और ग्रेवी पूरा मोटा मोटा है और इसमें से सुगंध बहुत ही अच्छा आ रहा है बहुत। ये किस आँच पे बनाते हैं? लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी के आँच पे? हाँ, लकड़ी के आँच पे, धीमी आँच पे बनाते हैं, एकदम धीमी आँच में। मतलब लकड़ी चूल्हा वाले आँच का जो है ना चिकन बना हुआ, उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। पूरा देसी स्टाइल में यहाँ पे चिकन बना के टेस्टी बना जाता है, पूरा टेस्टी बना जाता है, इसलिए इतना ज़्यादा फेमस है। बस पूरा फेमस, बहुत। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं खाने के लिए? भागलपुर हो गया, मैंने अनेक जगह से आते हैं, बहुत जगह से, बहुत जगह से। आप यहाँ पे कब से हैं? हाँ, आप ये बनाते हैं? यस। और इधर आप चावल का क्वालिटी देख सकते हैं, पूरा लंबा लंबा वाला चावल है। ये कौन सा चावल है? लाडली श्री, लाडली चावल यहाँ पे दिया जाता है। और चावल देखिए पूरा गर्मा गर्म चावल और पूरा भरा हुआ है, जैसे खत्म होता है तुरंत वैसे बन के आता है और फिर लगा के दिया जाता है। तो भैया यहाँ जो है चिकन और चावल खा के पूरे मस्त हो चुके हैं, स्वाद कैसा लगा आपको? स्वाद अच्छा है। अच्छा है। कब से खा रहे हैं आप चिकन? चिकन यहाँ 10 साल से हम इस दुकान को जानते हैं और जब कभी भी इस तरफ आते हैं तो हम जरूर खाते हैं। 10 साल से आप इस दुकान को जानते हैं, जब कभी इधर आते हैं तो खा के ही जाते हैं? खा के ऐसा स्वाद है? हाँ, स्वाद इसका रेगुलर एक ही जैसा स्वाद है, ठीक है। खाने में एक अलग स्वाद लगता है, स्वाद एकदम जैसा पहले था वैसा अभी भी है, कोई चेंज नहीं। वैसे कहाँ से आते हैं आप खाने? हमेशा भागलपुर के ही है, लेकिन मतलब इस रूट में जब आते हैं तब खाते हैं। अच्छा। तो भैया ये ब्रह्मदेव होटल का चिकन खा रहे हैं? हाँ। कैसा स्वाद है?
बहुत टेस्टी है यहाँ का चिकन, बहुत हम तो बहुत जगह खाए हैं लेकिन यहाँ का स्वाद कुछ अलग है। मेरा दोस्त बताया कि यहाँ पर एक है, एग्ज़ाम देने आए थे। अच्छा, तो इसी वजह से यहाँ पर खोज करके कहाँ पे है तो पता किए, तो बताया सामने में है तो यहाँ खाए। मतलब दोस्त बताए तब आप आए यहाँ? हाँ, वो भागलपुर का ही है, इसी के लिए हम बेगूसराय से आए हैं। अब बेगूसराय से यहाँ आए थे एग्ज़ाम देने? हाँ, वही बताया कि यहाँ एक चिकन शॉप है जो फेमस है, तो मैंने यहाँ खाया तो टेस्ट सही में अच्छा है। टेस्ट अच्छा है? हाँ, पूरा घर के जैसा? हाँ हाँ, घर से भी अच्छा है। घर से भी अच्छा मिला? हाँ हाँ। तो ये दोस्त के कहने पे यहाँ एग्ज़ाम देने आए थे, तो इनको इस एरिया में बताया गया था कि यहाँ पे चिकन जो है अच्छा खिलाया जाता है, तो यहाँ पे बैठ के ये चिकन खा रहे हैं, बहुत ही मज़े से खा रहे हैं। हाँ, तो फाइनली हम अपने लिए प्लेट लगवा चुके हैं और हाफ प्लेट लगवाए हैं क्योंकि शाम का टाइम है और हम खाना खाए ही हैं। तो ये देखिए इसका ग्रेवी, इस चिकन का ग्रेवी देखिए कितना जायकेदार लग रहा है, और पूरा जो है इसमें मसाला ही मसाला है, पानी का मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, और पूरे ये जो है प्याज का रस है, और इसका रोगन देखिए पूरा उबर के आया है, इसमें जो है तेल का मात्रा लग रहा है, ज़्यादा यूज किया गया है और इसको अच्छे से भुना गया है। तो अब स्वाद लेते हैं इस चिकन का। ये आ गया अपना सारा ग्रेवी और इधर पीस, थोड़ा सा लेते हैं चिकन का ग्रेवी और चावल। भाई तीखापन बहुत ज़्यादा है और इसमें काली मिर्च का यूज थोड़ा ज़्यादा किया गया है। एक नंबर स्वाद है, ऐसा स्वाद है ना आप खाना खाने के बाद भी एक दो पीस खा सकते हैं, मतलब पूरा पेट भरा हुआ रहेगा फिर भी खा सकते हैं। और इधर आ गया पीस, और पीस देखिए कितना सिझा हुआ है और कितना बड़ा पीस है, थोड़ा से दामने के बाद ये जो है पूरा हट जा रहा है। ये आ गया अपना पीस और थोड़ा सा ग्रेवी, इसका स्वाद देखते हैं कैसा है। एक नंबर, बताओ इतना तीखा है कि हमको जो है ना हिचकी आने लगा, तीखा थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हम इतना तीखा खाते नहीं है। और इसमें देखिए लहसुन का भी यूज किया गया है, ये लहसुन, और खड़ा जो है रेड मिर्च का, बहुत ही अच्छा स्वाद है, पूरा मसालेदार है। और पानी का तो यूज, जैसे कि हम बताएं पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया गया है। बात ऐसा है कि लोग भर भर के आते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, वैसे पीछे आप देख सकते हैं पूरा भीड़ लगा हुआ है मटन के लिए, और मेरे पीछे भी खा रहे हैं बहुत कोई, तो पूरा भरा हुआ रहता है। अभी शाम का टाइम है फिर भी इतना लोग खा रहे हैं यहाँ पे। इसको लकड़ी के चूल्हे पे धीमी आंच में पका गया, ऐसा स्वाद है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से इस प्लेट को ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अच्छे वीडियो में, फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे प्लेस के साथ। और आपको यहाँ का एड्रेस बता देते हैं, आपको जब भी यहाँ का चिकन खाने का मन हो, आपको देख के पता चल ही रहा होगा कि यहाँ का चिकन कितना फेमस है, चिकन खाने का मन हो तो सबसे पहले आप भागलपुर आ जाइएगा। भागलपुर स्टेशन से एक स्टेशन आगे ही सबौर स्टेशन है, उसके जस्ट ढाले के बगल में आपको ये माँ तारा ब्रह्मदेव होटल मिल जाएगा, यहाँ पे आप आके खा सकते हैं। ये सुबह के 10 बजे से रात्रि के 9 बजे तक खुली रहती है। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे